भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र जालंधर की ओर से पंजाब प्रांत की औद्योगिक नगरी जालंधर शहर में नूतन वर्ष के पावन प्रसंग पर श्रीमद आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी आदि ठाणा का भव्य मंगल प्रवेश भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र न्यू जवाहर नगर में हुआ। इस समारोह के उपलक्ष्य में आइकॉनिक मॉल न्यू जवाहर नगर से भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र न्यू जवाहर नगर तक नगर परिक्रमा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के सभी परिवारों ने भाग लिया। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर गुरुदेव महाराज के भजनों को सुनाकर सारे वातावरण को आनंदित कर दिया। इसके बाद जवाहर नगर में श्री धर्मनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में पूज्य गुरु भगवंतों का मंगल प्रवेश हुआ। इसी के तहत आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज 295 कोहिनूर हाउस न्यू जवाहर नगर स्थित स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जैन के निवास स्थान से निपुण जैन की देखरेख में भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र न्यू जवाहर नगर तक पैदल ही परिक्रमा के लिए निकले। उनके साथ गुरु महाराज के शिष्य कार्य अध्यक्ष मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज और ज्ञानानंद महाराज भी शामिल रहे। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी आदि ठाणा ने अपने मुखार विंद से वर्ष 2024 के प्रथम दिन सभी भक्तों को धर्म सभा में अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी जैन परिवारों को कहा कि जिसका मन हमेशा परमात्मा की पूजा में लगता है वह ही गुरु भक्त कहलाता है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जैन की जैन समाज को दी गई सेवा को कभी नहीं भुलाया जाएगा और आज उनके दिए हुए संस्कारों को उनका बेटा निपुण जैन समाज की सेवा कर निभा रहा है। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, डायरेक्टर वाणी विच, संयुक्त संपादक सिदेश विच, संयुक्त संपादक अभिषेक विच ने विशेष रूप से उपस्थित होकर आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर निपुण जैन, विनेश जैन, कमल जैन, भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र से चेयरमैन रविकांत जैन, कोषाध्यक्ष शीतल जैन, निपुण जैन, लोकेश जैन, संदीप जैन, सुभाष जैन, मोहिंदर पाल जैन, ललित जैन, पंकज जैन, पुनीत जैन, सोनित जैन, दीपांशु जैन, राजेंद्र जैन, बलबीर जैन, रोमित जैन, आदेश जैन, सुनील जैन, सोमित चंद्र जैन, राजेंद्र जैन, सुभाष जैन, राजन जैन, हीरालाल जैन, नरेंद्र जैन, दर्शित जैन, रजत जैन, मनन जैन, अंकुर जैन, बिट्टू जैन, ललित जैन, बलबीर चंद्र जैन, अनिल जैन, राकेश जैन, अनिल जैन, मोनिका जैन, करुणा जैन, हरित जैन, नितिका जैन, विशाली जैन, अनिष्का जैन, रूशल जैन, कायरा जैन, कशिश जैन, आदिश जैन, मधु जैन, सुदृष्टि जैन, रूपाली जैन, उषा जैन, सतपाल जैन, कोषाध्यक्ष सुमत प्रकाश जैन, महामंत्री उषण जैन, मंत्री मुस्कान जैन, विमल प्रकाश जैन, प्रधान राहुल जैन सहित जैन समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत, पवन कनौजिया के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। नमो आय नमो बोझाय नमो सर्व पाव प्रणासनो मंगलारंचहर पासम पासम वंदामि पावन विघ्नेन जीवा ऐरामरम ध्यानम इय संति वो महाय सभक्तिवरण तादेवोहिंभवीचंद्र उपसर्गाक्षयम् यान्ति चित्तं विमलयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं जयनम जयते शासन बोल विजयलम श्री महाराज की जय। बोल आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज की जय। प्रभु मेरे प्रभु शीतल भाव बहुत
सुबरत नमिने मिनामी हरि मुनि सुबरत नमिने मिनामी पारस जी पारस वीरन मामी प्रभु की जय बोलो जय बोलो जय बोलो मेरे प्यारे प्रभु की जय बोलो ये की जय बोलो जय बोलो जय बोलो मेरे प्यारे प्रभु की जय बोलो जय बोलो जय बोलो मेरे प्यारे प्रभु की जय बोलो विश्वहर भूलिंग मंतम पंडित धारे जो सेवा में वो दस गहर और भारी करा जाती हूँ सामम जिठाऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फल हो नर्तनी येसु भी जीवा पावन की नंदी दो बच्चम तू असमत लद्दे पिता मणि कप्पाय ये पावन की अभिघ्न जीवा ऐरा परम खानम ये संत वो महायश मस्तक पे हाथ जोड़िए प्रभु आनंद दादा ज्ञान हमको दीजिए नाथ भगवान की जय बोल सुनो मंत्रियो जावी जाए जान दिया कि वो मणिलक्ष्मी तीर्थ का जो तोहफा हमें
इस पंजाब की धरती पर दिया है इसका कोई सानी ही नहीं। सो गुरुदेव, मैं पूरे जलंधर श्री संघ की तरफ से आपका यहां पे स्वागत करते हुए, मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है कि जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं, क्योंकि ये तोहफा केवल लुधियाना या दोहा का नहीं, जलंधर का नहीं, पूरे उत्तर भारत का है। और लक्ष्य आपके पास प्राप्ति होते हैं, लेकिन गुरुदेव की एक शैली कि हर समय, चाहे सुबह जल्दी का टाइम हो और रात का लेट हो, मैंने तो खैर अपनी पूरी जिंदगी में इनके चेहरे के ऊपर कभी शिकन देखा ही नहीं। जो आया आ मेरे राजा आ मेरी मैया करके हर व्यक्ति को अपना स्नेह दिया है, ऐसे व्यक्तित्व वाले गुरुदेव अभी चातुर्मास समाप्त हुआ नहीं। और जैसे हम सब देखते हैं कि गुरुदेव का एक ही लक्ष्य जिंदगी में है, जब भी इनसे बात करो इनके रोम रोम में वो गुरु बसा हुआ है, जिसको साक्षात इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन उसके रूप में उनके रुके हुए कार्य को करने के लिए जो हर समय इनके अंदर जज्बा रहता है, वो एक लॉ, जब भी बात करो तो इनके अंदर वो लॉ रहती है कि मेरे गुरु ने इन पंजाबियों के लिए गुजराते होते हुए भी जो किया है, मैं तो उनके एक कण के बराबर नहीं। Yeah.
परम परमात्मा के चरणों में आनंद आनंदित वंदन, परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, दो पंक्तियां मैं बोलूंगा, मेरा साथ दीजिएगा। ज्ञान गंगा में हमें नहाना है, 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 जीवन सफल बनाना बाबू, मैं रात्रि विश्राम देने
प्रार्थना स्थिरता करी। रात को भी बब्बू ने कहा गुरुदेव अब ये न मानना कि सुंदर दरबार चला गया, हम आज भी आपके लिए उसी तरह से खड़े हैं। हमारे जो भी आदेश होगा आदेश देना, निकलना है मैं गुरुदेव आदेश दो। मैंने कहा भैया ये चातुर्मास पाली करना करने की मेरी भावना है, संयोग से आज नववर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है, इस जो भी इच्छा हो अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, आज से शुरुआत करने जा रहा हूं, तेरी जो भावना हो पहले ये तुरंत महत्मा खड़ा करूंगा। और अभी तो मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो 5-11 किस तरह सोच रहा था, लेकिन बबू ने कहा गुरुदेव आपका पालीतारा की पुण्य भूमि पर चातुर्मास और जहां पर हमारे पिताजी ने आपको आचार्य पद में काम भी उड़ाई हो, आदर की ज्यादा समर्पित की हो, उस पुण्य भूमि पर चातुर्मास पर गुरुदेव मेरी ओर से 51 लाख रुपए की राशि कितनी उदारता सुनो। इतनी उदारता, इतनी सहज उदारता, मैंने कुछ आंकड़ा भी नहीं कहा, समझ नहीं होते 5-10 तो क्या आपने इतनी बड़ी कृपा करी है और मेरे बिन कहीं भी आप मेरे घर पधारे हैं, रात्रि विश्राम को मुझे लाभ दिया है गुरुदेव, आप बिना झिझक मुझे लाभ दीजिए। और आज पहली बार नहीं, अब जब भी हो मुझे आज भी याद है कि मेरी लक्ष्मी देव धाम की जब अंजनता का प्रतिष्ठा की जय बोली गई, चेन्नई में मणि लक्ष्मी धाम प्रतिष्ठा की जय बोली, और जय बोलने के बाद जैसे ही ट्रस्ट मंडल बाहर आया सबसे पहला फोन आया इस परिवार का और कहा कि प्रतिष्ठा के दिन का पूरा लाभ मुझे दे, पूरा नवकाशी का लाभ, सुबह नाश्ता भोजन स्वामी वचन पूरे दिन का लाभ, जो भी लगे जितना भी लगे पूरा लाभ मुझे दिया जाए। सच में सुंदर बाजी के बाद भी बच्चों ने जो उस परिवार का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया है और गुरुओं के दिलों में जो स्थान को हमें आयत हो गया है। ऐसी सहज उदारता का भाव, इतना तो मैंने नहीं सोचता था कि बिन मांगे मुझे काम मिल जाएगा। मैंने सहज में इशारा किया और बब्बू भैया ने एक पल नहीं लगाया, ये भी नहीं कहा कभी इससे पूछू उससे पूछू, अकेला ही मेरे पास था गुरुदेव, मेरी ओर से ही चोरी में 51 लाख रुपए की सौ, चलो सब मिल सिंदगी चलिए को 3 जनवरी
2022 का वो दिन था जो हमारे समाज के लिए एक बंद पद की तरह इतनी निकटता गुरु कभी अपने शिष्य के साथ नहीं रखता और जब गुरु के अक्षरों में आंसू हो तो हम समझ सकते हैं कि वो भक्त कितना करीब होगा। Thank you.